और खसूसन जब ऐसी फेसिस्ट सरकार आपकी बनी हो जो डेमोक्रेसी का प्लेकार्ड लेते लेते फेसिज्म और नाजिज्म को प्रमोट कर रही है ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकलिटी के साथ, तो ऐसी सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको दे दूँ, मैं किस सरकार से कोई तवक्कु रखूँ, कोई उम्मीद रखूँ जो सरकार अपने इकोनॉमिक रिसेशन को ऐसे जस्टिफाई कर रहा है, कह रहा है कि एक मूवी दो दिन में 200 करोड़ कमा रही है तो कौन सा इकोनॉमिक रिसेशन है। तो मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करूँ ये समझना कि कश्मीर की हिस्ट्री क्या थी और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। खसूसन मैं अगर मैं बात करूँ, मैं एज अ राइटर अगर प्रोटेस्ट कर रही हूँ तो मुझे तो उनसे कोई उम्मीद नहीं कि वो मेरी कोई बात समझेंगे, लेकिन एक ये चीज़ है कि मुझे अपनी तरफ से कुछ तो करना है। मैं खामोश नहीं बैठ सकती, मैं अगर खामोश बैठी तो उसका मतलब ये है कि जो आपने मेरे ऊपर थोपा है वो मैंने कबूल कर लिया, लेकिन हम वो मरते दम तक कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ कही जाती है कि जैसे आप कश्मीर के लिए आवाज़ उठ रही है जी, तो फिर कहा जाता है कि कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज़ नहीं उठाई। नहीं नहीं, जैसा कि मैंने अभी बताया है, ये जो इनका एक ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही है ना, ये पहले से ऑप्रेसर की पॉलिसी रही है। जैसा कि अगर आपको पता हो, हिंदुस्तान की हिस्ट्री भी उठाकर हम देखें, हिंदुस्तान का फ्रीडम स्ट्रगल भी हम उठाकर देखें, उस टाइम पर जो ऑप्रेसर था उनकी भी ये पॉलिसी रही डिवाइड एंड रूल, और वो सक्सेसफुल रहे और हिंदुस्तान को बहुत सफ़र करना पड़ा उसकी वजह से। यही कार्ड आज ये कश्मीर में खेल रहे हैं, कश्मीरी पंडित को सामने ला के, कश्मीरी पंडित का कार्ड खेल के अपने इस डिसीजन को ये करें। लेकिन हम, मैं कश्मीर की तरफ से बोल रही हूँ, मैं कश्मीरी मुस्लिम की तरफ से बोल रही हूँ, मुझे ये मत कहो कि तुम कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुस्लिम हो। सफ़र हर एक ने किया है, सफ़र कश्मीरी पंडित ने भी अपनी जगह किया, सफ़र कश्मीरी मुस्लिम ने भी किया, तो मुझे दर्द बराबर का है। मैं एज अ पंडित भी अपना दर्द बयान कर सकती हूँ, मैं एज अ मुसलमान भी अपना दर्द बयान कर सकती हूँ, मैं लद्दाखी का भी दर्द बयान कर सकती हूँ, मैं जम्मू वाले का भी दर्द बयान कर सकती हूँ। तो मुझे ये कह के डिवाइड करने की कोशिश ना करें और अपने इन गंदे ख्यालात को इन चीज़ों के पीछे छुपाने की कोशिश ना करें। अच्छा, एक चीज़ कही जाती है जो कश्मीर के लिए बोलता है उसे देशद्रोही कहा जाता है। जैसा कि आप खुद कह रहे हैं, जो कश्मीर के लिए बोलता है, हम क्यों ना बोले। हमारी आपने ऐसी हालात कर दी है, पिछले 70 से ज़्यादा दिनों में आपने हमें हाउस अरेस्ट करके रखा है, कश्मीर को आपने स्टैगनेट करके रखा है, हम बात क्यों ना करें। मुझे आप ये बताइए, जिस एबनॉर्मल सिचुएशन को आप नॉर्मल सी कह रहे हैं, कश्मीर के स्टूडेंट की बात लीजिए आप। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे कश्मीर से भाग के आना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे आगे कोई फ्यूचर ही अभी नज़र नहीं आ रहा था वहाँ पर। आपने कश्मीर को 70 साल पीछे धकेल दिया है, तो हम क्यों ना बात करें, हम क्यों ना आवाज़ उठाएं अपनी। हम आवाज़ उठाएंगे भले ही आपकी नज़र में वो देशद्रोही है। अगर मैं आप ही की हिस्ट्री में से आपको एग्जांपल दे दूं, जब भगत सिंह ने आवाज़ उठाई थी, उनको भी अंग्रेजों ने देशद्रोही और टेररिस्ट का नाम दिया था, लेकिन हम जानते हैं भगत सिंह वाज़ अ रेवोल्यूशनरी। सो बोलने दीजिए इनको, जो ये बोलेंगे हम जानते हैं हम क्या काम कर रहे हैं। सरकार का दावा तो है कि धारा 370 के हटाए जाने से जो है विकास होगा, समृद्धि आएगी। देखिए, ये वैसी बात फिर हो रही है कि इनको अपने अपने जो इनने कारनामे अंजाम दिए हैं, जो इनने ब्लंडर्स किए हैं, उनको जस्टिफाई करने के लिए इनको कुछ ना कुछ तो करना है। और जैसा कि इनने मीडिया हाउसेस पे भी इतनी पाबंदियां लगा रखी है, जैसा हम देख सकते हैं कि मीडिया भी ओपनली आवाज़ नहीं निकाल पा रहा है अपनी। क्यों? क्योंकि उनको उन पे भी अभी हमारा जो सरकार है, सरकार का एक वो नाजी एरा मुझे लग रहा है हमारे सामने आया हुआ है, बिल्कुल वैसा ही हिटलर राज चल रहा है हमारा। तो उस वजह से कि जो असल बात है वो सामने नहीं आ रही है। आप डेवलपमेंट वगैरह का बोल रहे हैं, अभी आज़ाद साहब ने भी कहा कश्मीर खुद अपनी GDP संभाल सकता है। भैया, आप अभी अपनी इकोनॉमी पर ध्यान दीजिए, आप बाद में कश्मीर की डेवलपमेंट की बात कीजिए। जैसे अब सर्दी शुरू हो जाएगी जी, पूरे पाबंदियां लगभग 3 महीने हो गए जी, और अभी कोई हटने का कोई अमकान नहीं जी, आ रहा जी, तो कश्मीरी को इससे भी ज्यादा दिक्कत होगी। कश्मीरियों को इतनी दिक्कत होगी कि इसमें चीजें क्या सरेंडर कर देंगे सरकार के साथ? कश्मीरी सरेंडर कभी नहीं करेगा, ना कश्मीरी ने पिछले 70 सालों से सरेंडर किया, ना कश्मीरी आगे कभी सरेंडर करेगा। लेकिन कश्मीरी ऐसा नहीं है कि अगर अभी कश्मीर से आवाज़ बहुत धीमी आवाज़ बाहर निकल रही है, लेकिन आवाज़ बाहर निकल रही है। मैं यहाँ पे, मैं कश्मीर की आवाज़ हूँ, मैं कश्मीर हूँ इस टाइम पे जो बोल रहा है। मेरे में जो ये गुस्सा है, ये कश्मीर के अंदर गुस्सा है। आपने मेरे से मेरी ज़मीन छीनी, आपने मुझे मेरे घर में बेघर कर दिया, और आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल खामोश रहूँ? नहीं। और आप मेरे आंसुओं को नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि मुझे बोल रहे हैं आप स्माइल कीजिए, और ये बता रहे लोगों को मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन आप मुझसे तो पूछिए कि मैं कितना खुश हूँ। तो ऐसा हो रहा है, ऐसा ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने विज्ञापन दिया था अखबारों में खामोशी तोड़ने के लिए, लोगों जी जो खामोशी वहाँ पे छाई हुई है। देखिए, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो कश्मीर का पत्थरबाज जो प्रोटेस्ट करता था वो अब गांधीवादी रास्ते पे चल पड़ा? नहीं, ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि
हर एक के प्रोटेस्ट करने का अपना एक तरीका होता है। मैं अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रही हूँ, मैं अपने कलम के ज़रिए प्रोटेस्ट कर रही हूँ, लेकिन वो इंसान जिसके घरों में घुस के CRPF वालों ने उनकी माँ बहनों के साथ गलत किया है और इस आड़ में आके अफसपा AFSPA की आड़ में आके जो जो जिस जिस जवान को फेस करना पड़ा वो तो उठ के उनके हाथ में तो पत्थर ही है ना। मैं किसी भी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन ज़रा ध्यान रखिए इस चीज़ पर, हमारे हाथ में क्या बच गया? आपने तो हमें कहीं पर नहीं, आपने हमें बस इस हद तक ला के रख दिया है कि हम बस चुप करके ऐसे देखते रहें कि कब खुले, कब हमें अपने घरों से बाहर आने की इजाज़त मिल सके। तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो चीज़ें कम होंगी या वो गांधी का रास्ता चुनेंगे, हम भी गांधी के रास्ते को ही चुनना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें रहने नहीं दिया उस रास्ते पे। हम पे ऐसी ऐसी चीज़ें, हम पे ऐसे ऐसे ब्रूटल डिसीजंस हम पे इम्पोज किए गए और वो भी हमें बताए बिना। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सब्र की भी एक इंतहा होती है, एक डिक्टेटरशिप की भी एक इंतहा होती है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हमारे सब्र का भी कोई एक हद है ना, एक लेवल ऑफ पेशेंस है हमारी भी, हम इतना सब्र नहीं कर सकते कि आप इतना हम पे इम्पोज करते रहे और हम फिर बिल्कुल चुप करके सहते रहे और कहते रहे कि हाँ जी हम गांधी के रास्ते पे। बाकी गांधी नेता थे, हम भी उनको मानते हैं, हम भी गांधीगिरी पे ही चलना चाहते हैं, लेकिन आपने हमें मजबूर किया है पत्थर उठाने पे, इस बात को समझिए। पहले गोली चली उसके बाद पत्थर उठा जी। आपको लगता है कि आपकी लड़ाई जो है स्टेट के खिलाफ फंसी थी, वो शक्तिशाली स्टेट के खिलाफ है, आपको उम्मीद है कि आप जीत पाएंगे, आप सफल हो पाएंगे? मैं इस टाइम पे यहाँ अपनी बात कर रही हूँ, मैं जीत चुकी हूँ।